लहूलुहान मिली लड़की, हैवानियत की इंतहा हुई पार। गैगरेब के बाद जान बचाने के लिए दरिंदों से जूझती नजर आई अबला। दीपावली के दिन जहां दुनिया दियों से घर आंगन रोशन करने और पटाखों से जश्न मनाने में डूबी है, वहीं आगरा में एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके दरिंदों ने इस त्यौहार के मुंह पर कालिख पोत दिया। आगरा जिले के ताजनगरी फेज दो स्थित होम स्टे में बीती रात कर्मचारी युवती निशा बदला नाम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर युवती की पिटाई की गई तो उसने शोर मचा दिया। इस पर आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस को युवती बुरी हालत में रोते बिलखते मिली। पुलिस ने होम स्टे से चार युवकों को हिरासत में लिया है। युवती का रोते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चार आरोपियों रवि, जितेंद्र, मनीष और देव किशोर को किया गिरफ्तार कर लिया है। ताज नगरी फेज दो में देर रात होम स्टे से युवती के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर लोगों ने पुलिस को होम स्टे में वारदात की सूचना दी। सूचना पर ताजगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस होम स्टे में पहुंची तो वहां एक युवती बदहवास हालत में मिली। वह फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस को देखते ही कहने लगी कि उसके साथ गलत काम हुआ है। उसे जबरन शराब पिलाई गई। इसके बाद 4-5 युवकों ने गलत काम किया। ये होम स्टे रवि नाम का युवक चलाता है। विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा है। हंगामा होने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए थे। पीड़िता के एक दो वीडियो बना लिए। वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आसपास के लोगों का आरोप है कि इलाके में संचालित होम स्टे में गलत काम होते हैं। पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। पीड़िता निशा को थाने ले जाया गया। एसीपी सदर अर्चना सिंह ने युवती से पूछताछ के बाद होम स्टे को बंद कर दिया और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी गई। पुलिस ने मौके से चार युवक और एक महिला को पकड़ा। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि युवती जो भी तहरीर देगी उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अरे गेट खोलो, पहले गेट खोलना। गेट खोलो, देखो सब लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। सब लोग मैंने को मेरा सिर पटा हुआ है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। कुछ लोग मीडिया में है, कहते हैं मीडिया में होटल में मेरी सोसाइटी के बारिश के होम स्टे पर एक लड़की रेप किया है। भाई साहब मेरा मेडिकल करा लो। ये बिल्कुल जो सोसाइटी के बारे में सीतापुर मन लगा रहा हूँ, ये बहुत खून कच्चा पड़ी हुई है लड़की। ये बिल्कुल टोटी मैरियट के सामने जान निकल जाएगी। हाँ आप भाई साहब तुरंत आइए। और बिल्कुल इससे पहले भी मैंने बहादुर जी थे तब भी मैंने कहा था उनका नाम बोलो। जी जीतू, रिया, ललिता, सोनू, विक्रम, इन सबको बंद कराइए। जबरदस्ती धंधा करवा रहे हैं, मेरी मेरे बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस बार से मेरा पैसा भी खाया इन्होंने। पैसा मेरे दादी खत्म हुई थी एक साल पहले, मेरा प्लॉट भी बाधा हो गया। प्लीज मुझे बचाओ, मेरा बाबा कहीं है, मेरे बाबा।
कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल 5 अभियुक्त जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला है को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।